अब आप लोग अगला हेडिंग लिखिए, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब एक बात बताओ, कॉस थीटा बराबर जब कॉस अल्फा है तो तुम सोचो कि कॉस अल्फा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस अल्फा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। जल्दी बोलो, कॉस थीटा या कॉस अल्फा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि ये अल्फा है तो ये मेरा माइनस अल्फा है, सही बात है ना। और इस जगह का नाम आप याद किए हुए हो 2n पाई, तो कॉस अल्फा जो है यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो ज़रा सोचो कि क्या हम लोग इस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है उसमें हम अल्फा को, ध्यान से सुनना, अल्फा को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई और प्लस अल्फा, कॉस 2n पाई प्लस अल्फा कॉस अल्फा ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसी प्रकार ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस ऑफ 2n पाई माइनस अल्फा, अगर ये भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2n पाई से हम आए होंगे कहाँ, इस एक्सिस पे, कितना भी बार घूम के अब वापस हम आए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस 2n पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ये अल्फा जो एंगल है उसको 2n पाई प्लस अल्फा भी लिखा जा सकता है, और अल्फा जो एंगल है वो 2n पाई माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू हमारा दोनों हो सकता है, एक 2n पाई प्लस अल्फा भी हो सकता है और एक थीटा का वैल्यू हमारा 2n पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। अब दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखने के लिए बोल दिया जाए कि दोनों को एक साथ कंबाइन करके बताओ, तो हम कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, माने दोनों कंसीडर कंडीशन पॉसिबल है, इवेन हो चाहे, मतलब सॉरी पहले तो इवेन होना चाहिए, तो 2n पाई प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, ठीक है ना। जहाँ पे आप लिख लेना n बिलोंग्स टू z, इवेन रहे तो भी प्लस होगा और माइनस भी होगा, दोनों होगा, इवेन होने पे भी प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, याद रहेगा ये बात। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम फटाफट बना सकते हो, कैसे, कि अगर हम कह दे तुमको कि cos थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 अगर है तो एक साइड तो cos थीटा नज़र आ रहा है, एक साइड हमको cos अल्फा नज़र आना चाहिए, तो सबसे पहला एंगल के बारे में तो सोच ही सकते हो, 1/2 कितना डिग्री पे होता है, cos में कितना डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, तो इसको हम लोग cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं पहला एंगल, क्या कोई दिक्कत है। तो थीटा बराबर डायरेक्ट अब हम क्या लिख देंगे यहाँ से, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे तुम्हारा पाई बाई 3 है, ये थीटा है तो थीटा, ये अल्फा है तो अल्फा है, तो यानी डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है, बोलो। तो अब इस तरह का क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना ही लेंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे, कॉस थीटा बराबर अगर -1/2 आ जाए तब क्या करोगे, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये वाला याद रखो कि कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा हो, मतलब यहाँ भी +1 कोफिशिएंट हो, यहाँ भी +1 कोफिशिएंट हो, तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2n पाई
अब प्लस माइनस अल्फा जहाँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये चीज़ हमको याद होना चाहिए फॉर दिस, इसके लिए। अब हमारा क्वेश्चन में आ चुका है कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाई टू। तो पहले वन बाई टू सोचो कि वन बाई टू कितना डिग्री पे होता है, तो वन बाई टू 60 डिग्री पे होता है, तो माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं पाई बाई थ्री। लेकिन क्या इस माइनस को अंदर भेजा जा सकता है? अच्छा, भेज के दिखाते हैं भेजा जा सकता है कि नहीं, ये लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। ये माइनस को अंदर भेजोगे ना तो ये गायब हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा। क्या तुम पढ़े हुए हो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा नहीं होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। तो ये माइनस तो लाना है। अब तुम इस माइनस को यहाँ पे रख के क्या कर रहे हो, गलती कर दे रहे हो कि ये माइनस को भूल जा रहे हो। यहाँ पे माइनस रहेगा तब भूलेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा तो थोड़ी भूल सकते हैं। समझ रहे हो बात को ना? तो क्या करें, तब क्या करें? इस माइनस को तो अंदर भेज नहीं सकते हैं। तो आप ये सोचो कि एक्चुअल में कॉस जो है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? कॉस थीटा जो होता है किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? सेकेंड और थर्ड। तो कोई एक एंगल लिख लो, चाहे सेकेंड का चाहे थर्ड का। तो सेकेंड का एंगल लिखने क्या बताए थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन से, कि अगर फर्स्ट में एंगल थीटा है, जैसे थीटा है हमारा यहाँ पे पाई बाई थ्री, तो इस पाई बाई थ्री को सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लिख देंगे कॉस के अंदर तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। बताए हैं ना सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका है पाई माइनस थीटा। फिर से बता दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है जो 60 डिग्री है वही थीटा है 30 डिग्री, मैंने जो एक्यूट एंगल होता है 0 और 90 डिग्री के बीच में, माइनस फोर भूल जाओ। अब 1/2 को बस याद रखो कि क्या डिग्री पे होता है, तो 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो उस 60 डिग्री को थीटा माना जाता है। फर्स्ट में लिखना है तो डायरेक्ट थीटा, सेकेंड में लिखना है तो पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हुआ पाई और माइनस 60 डिग्री। अब थर्ड में लिखना है तो पाई और फिर 60 डिग्री, यानी पाई प्लस थीटा। अब फोर्थ में लिखना है तो 2π और फिर माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में 2π माइनस थीटा। तो अब ये जो है कॉस पाई माइनस थीटा लिख देने की वजह से ये माइनस को बाहर कर लेगा कि नहीं, बोलो, कर लेगा बाहर? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ना, तो माइनस 1/2 आ ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अब हम ये क्या किए, फायदा क्या उठा लिए कि यहाँ का जो माइनस है उसको हम गायब कर दिए। अब ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 और फिर 3 पाई और ये 1π घट के 2π/3। तो अब हमारा फायदा हो गया कि कॉस थीटा कोएफिशिएंट 1, कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1। तो अगर ये फार्मूला सोचे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा वाला तो अब लग जाएगा। तो क्या होगा फार्मूला, थीटा बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे ये है आपका 2π/3। क्या ये वैल्यू आपको याद रहेगा, बोलिए? तो ये याद रखिए। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप, तो आप देखिए 2π कॉमन नज़र आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है नज़र, या फिर बाई वन करके एलसीएम ले लो, बाई वन करके एलसीएम लोगे तो आएगा 3 और ये हो जाएगा कि 3 × 6 n π और प्लस माइनस 2π। तो अब जरा ध्यान से देखना अगला वाला, और मज़ेदार है। इसमें हम 2π कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, इसमें भी 2π था, इसमें भी 2π था, तो 2π अगर कॉमन लिए तो इसमें क्या बचेगा, 2 × 6 3n बचेगा 3n, इसमें क्या बचेगा प्लस माइनस 1 बचेगा। बढ़िया से लिख देते हैं,
थ्री एन प्लस माइनस वन और टू पाई बाई थ्री। अब अंदर भेज के देख लो तुम, आ जाएगा। तो इस तरह से भी आंसर हो सकता है जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो कॉस वाला में अगर माइनस बाहर रहता है तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना सोचो, कि पहले वन बाई टू सोच लो कि कै डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, होगा ठीक है। उस 60 डिग्री को सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए आदत डालो, तो वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। उसके बाद फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, लगा लेंगे। चलो अब हम लोग जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे टैन थीटा बराबर टैन अल्फा के लिए। इसको प्रिंट कर लो।